नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक गांव में, जो कि 1947 से पहले मुस्लिम बहुल हुआ करता था। मुस्लिमों का बहुत बड़ा ये गांव था और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा, ये एक दो नहीं पूरे 24 गांव का यह गांव सिरमौर हुआ करता था और आज भी है। देखिए दोस्तों, ये है भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले का एक गांव जिसका नाम है नामुंडा। ये देखिए ध्यान से, ये हमारा स्वागत कर रहा है यहाँ पर। ये गांव 1947 से पहले एक बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल गांव था। आज हम इसके अंदर चलकर देखते हैं ये आज किस हालत में ये है। ये देखिए दोस्तों, गांव में थोड़ा सा और अंदर चलते ही हमें कुछ इस तरह के बोर्ड लगे हुए मिलते हैं इस गांव में स्वागत के, और ये एक मंदिर है जो गांव की शुरुआत में ही लगभग यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारा ये सब स्वागत इस गांव में कर रहे हैं दोस्तों। इसी नामुंडा गांव में बाहर थोड़ा सा जो जोहड़ है, तालाब है यहाँ पर, इसके पास में आ गया हूँ। यहाँ पर आने का कारण क्या है, यहाँ पर 1947 से पहले मुस्लिमों की एक काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी। बताते हैं इस गांव में दो मस्जिद थी, एक गांव के अंदर और एक ये यहाँ थी बाहर जोड़ के पास। उसके कुछ अवशेष आज भी यहाँ पर बाकी हैं, वे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये ईंटें हैं, ये काफ़ी चौड़ी दीवार है छोटी छोटी ईंटों की, और इसकी चौड़ाई में दिखाऊँ आपको, कमाल, ये इतनी चौड़ी इसकी दीवार है, ध्यान से आइएगा, कांटे हैं बहुत। देखिए इतनी यहाँ से है ना, देखिए यहाँ तक है, इतनी मोटी चौड़ी है, ये किले जैसी बिल्कुल शक्ल, इतनी चौड़ी दीवार थी इसकी। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, वे पुरानी छोटी ईंटें आज भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर, काटे हटाऊं मैं, ये कैसी ईंटों की छोटी ये स्ट्रक्चर रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, यानी कि यहाँ कुछ हो सकता है था, समझ नहीं आ रहा अब समय के साथ कि क्या होगा। काफ़ी मोटी दीवार है इसकी, चारों तरफ यहाँ जोड़ है जिसमें अब मछली पालन किया जाता है, मछली पालते हैं मुस्लिम समुदाय के ही लोग, इसके आसपास, इस जगह के आसपास रहते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में। उस मस्जिद के यहाँ पर कोई बताते हैं कि अवशेष हम दिखा रहे हैं आपको थे, और यहाँ पर एक पीर भी है, ये पता नहीं है कि ये कब का है, 47 से पहले का ही है या नहीं, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। ये भी इसके पास में ही बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इस मस्जिद की ये बाउंड्री यहाँ वहाँ तक ऐसे ऐसे गोल घूम रही है, और ये इस खजूर तक। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा, मैं इसको मस्जिद बोल रहा था लेकिन वास्तव में ये ईदगाह है। ईदगाह जो लोग मुस्लिम हैं वे समझ गए होंगे कि ईदगाह क्या होती है। यहाँ पर ये गांव से बाहर की तरफ, बाहर ये ईदगाह थी यहाँ पर, तो ये वो ईदगाह की जगह है जिस पर आज हम खड़े हुए हैं, जो दिखा रहे हैं करीब 300-400 गज में ये गांव के बाहर ये ईदगाह थी। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, इस गांव के अंदर लेकर चलकर वो मस्जिद दिखाने जो 1947 से पहले यहाँ पर थी और आज भी है। इसी नामुंडा गांव में एक प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद आज भी है, और आपको आश्चर्य होगा कि सही सलामत है और वर्किंग कंडीशन में है। ये आप मौलवी हैं इसमें, है ना, और ये हमारे ये बच्चे इसमें यहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा भी चला हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये मौलवी जी ने बताया कि ये कई सौ वर्ष पुरानी ये मस्जिद है। मौलवी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी पत्थर लगा हुआ था पुराने समय में, वो उतर गया है, और वो इनके आने से पहले उतर गया था, वरना ये कह रहे हैं कि करीब कई सौ साल पुरानी, 400 या 500 बता रहे हैं ये मस्जिद थी। ये आज किस हालत में है जैसे कि आप देख सकते हैं, और जैसे कि बुज़ुर्गों ने बताया कि इस गांव का इतिहास मुग़ल काल में अकबर से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये काफ़ी पुरानी मस्जिद जैसे ये कह रहे हैं कि बात इनकी सच हो सकती है। मौलवी जी, चूने में बनी हुई है ना सारी, चूने और छोटी ईंटें, आज भी इतनी सॉलिड है, आज भी इतनी चौड़ी है, और दीवारें देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी ये सब है। एक सेकंड के लिए आइए, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। मौलवी जी लाइट है, लाइट चलाइए एक बार जरा, ये देखिए
बस यही इतनी छोटी सी लाइट है, है? अंदर लाइट का ज्यादा प्रबंध नहीं है, बहुत छोटी सी लाइट है। कैसे चलाते होंगे काम इतनी छोटी लाइट में? हाँ बस ये देखिए, ये इसका ऊपर से गुंबद है, उसी समय का पुराना। ये इसकी दीवारें और आज भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल सही सलामत सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी भी प्रकार से। बहुत छोटी छोटी मोटी दीवारें हैं, गर्मियों में ना इसमें गर्मी ज़्यादा लगती होगी, और अब जैसे सर्दियों के दिन है, आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर सर्दी भी ज़्यादा नहीं लग रही, गर्माहट रहती है। ये पत्थर वगैरह तो बाद के हैं, लेकिन मेन जो मूल स्ट्रक्चर है वो सब सेम है यहाँ पर। मामा जी, आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? कितने वर्ष से? 11 साल से। कभी चुई बारिश में या कभी कोई पानी वगैरह नहीं आता ना? नहीं। बिल्कुल ऐसी सॉलिड आज भी। एक मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक 1947 से पहले आज के हरियाणा और पंजाब में करीब 35 और कुछ लोग तो मानते कि अप टू 40 भी जनसंख्या मुस्लिम बहुल इस एरिया में थी। मौलाना जी, बात सच है ना? इतनी थी। इससे ऊपर ही हो सके, कम से ऊपर ही हो सकती है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गढ़ था जी, ये हमारा नामुंडा, सही कह रहे हैं। ये 24/74 इस गांव में रही है, अभी भी मुस्लिम के पास ही है। ठीक है, मुसलमानों के पास 24/74 भी है, और मेरे लोग भी इज्जत करते हैं, दूसरे भी और अपने भी खुशी से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये इस गांव में एक मुस्लिम चौपाल है के नाम से जानी जाती है। 1947 से पहले के अवशेष इस चौपाल के, इसको चौपाल भी कहते हैं हरियाणा में, आज भी आप देख सकते हैं। छोटी छोटी ईंटें और ये कितनी चौड़ी चौड़ी मोटी स्ट्रक्चर थी। ये जो लोग चौपाल या चौपाड़ का अर्थ नहीं समझते हैं, ये दरअसल एक सामूहिक फंक्शन वगैरह करने की जगह होती है उत्तर भारत के गाँव में। ये कुछ नया स्ट्रक्चर है, जो बाद की दीवारें हैं इसमें काफ़ी कुछ टूट गया समय के साथ, और ये स्ट्रक्चर भी पुराना है। ये इसमें काफ़ी कुछ पुराना आज भी बाकी है, ये सब बात का है। लेकिन ये जो बता रहे हैं, ये जो दरवाजे हैं, ये जो कमरे हैं, इनके पिछली जो दीवारें हैं वे बताई जाती है कि आज भी उसी समय की हैं, कई सौ वर्ष हो सकता पुरानी हो। आइए अंदर चलकर देखते हैं आज किस हालत में है। अरे लाइट नहीं है क्या इसमें? नहीं जी। लाइट नहीं है? नहीं जी। अरे लाइट बिना कैसे काम चलाओगे? हाँ जी, बैक साइड से। ये एक ही कमरा खुला हुआ है, दूसरा भी खुल रहा है? खुल रहा है, दिखाइए एक मिनट। ये हाँ, ये इस पर प्लास्टर अभी हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये जो दीवार है इसके पीछे, ये पुरानी है उसी समय की। मैं आपको इस बिल्डिंग के पीछे भी लेके चलूंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितनी पुरानी और किस समय की ये दीवारें खड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष है इसी चौपाल में, और ये माना जाता है कि कई सौ वर्ष पुराना है, इस चौपाल में यहाँ पर था, आज भी है, क्योंकि इस पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्राचीन ये पेड़ है, ये आज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। आज भी इस जगह को लोग, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल ये चल रहा है, इधर से देख सकते हैं ना। ये उस प्राचीन चौपाल की मोटी मोटी दीवारों के अवशेष यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, कितनी मोटी है, सच में सॉलिड। अंदर से हमने दिखाया था आपको, और ये छेद भी हो गया है दीवारों में, ये आप देख सकते हैं आज भी ऐसी खड़ी है। ये है वो मुस्लिम गुजरों की चौपाल, जो 1947 से पहले इस पूरे एरिए का, इस गांव का और इस पूरे क्षेत्र का लगभग ये समझिए कि प्रतिनिधित्व किया करती थी। यहाँ पर कभी कभी यहाँ कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये गांव आसपास के गांव का सिरमौर गांव हुआ करता था, क्योंकि इस गांव के पास एक नहीं पूरे 24 गाँव की चौधर यानी कि प्रधानी हुआ करती थी, जो कि आज भी कायम है। ये देखिए दोस्तों, इस गांव में एक प्राचीन कुएं के अवशेष आज भी बचे हुए हैं, और गांव वाले बताते हैं कि ये 1947 से पहले का कुआं है, जैसे कि इन्होंने लोग बता रहे हैं। अभी फिलहाल ये बंद हो गया है, रुक गया है, हो सकता है कि ये, जैसे कि आप ईंट देख रहे हैं, ये बाद में इस्तेमाल हुई हो, बाद में, लेकिन ये कुआं
नीचे छोटी ईटे हैं इसमें, इसमें बच्चे गिर गए थे इसलिए भर दिया, बंद चेंज कर दिया। हाँ, फिर यो मट्टी तो भर दिया। अच्छा, वरना ये 1947 से पहले का ही है? पहले का है, काफी पहले। कितने साल का ये नहीं पता। केवरा 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना, पुराना ही। इसके ऊपर छतरी वगैरह भी थी क्या कभी कुछ? हाँ, छतरी थी, थोड़ी थी छतरी, तो ताकि बारिश ऊपर से कोई गंदगी भी ना पड़े। कुछ नहीं पड़ा थी इसमें, ऊपर छतरी थी पूरी, इतनी ऊंची वो थी। अच्छा, पावे उन चार पांच। कभी आपने जीवन में पानी भरा इसमें? भरा है, खूब भरा, खूब भरा। इसमें मीठा ठंडा पानी था? ठंडा बिल्कुल।